प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। पीएम के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण अभियान का आगाज करते हुए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर बीजेपी आलाकमान से लेकर बीजेपी की प्रदेश इकाइयां कई कार्यक्रम कर रही हैं। नमो ऐप पर पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर एक प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत कर रही है। पीएम के बर्थडे पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का प्लान है। पीएम के जन्मदिन पर अकेले बिहार में आज 30 लाख लोगों का टीकाकरण होगा। यूपी में बीजेपी 71 किसान, 71 जवान और 71 महिलाओं को सम्मानित करेगी। पीएम मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले ही जोरों पर तैयारियां शुरू हो गईं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिए जलाए गए। भोपाल में 71 फीट लंबा केक काटा गया और 71 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। बिहार के दरभंगा में लड्डू बनाए गए और 71 नावों पर दीप जलाने की तैयारी की गई। पीएम के जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई हस्तियों ने ट्वीट कर शुभकामनाएं भी दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर और साथ ही राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साध दिया है। लगता है यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर योगी सरकार के मंत्री फुल फॉर्म में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर और किसान नेता राकेश टिकैत पर ऐसे जबरदस्त हमले किए हैं कि लगता है कि अकेले ही राजभर और टिकैत को करारा जवाब देने का मन स्वामी प्रसाद मौर्य बना चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह डाला कि राजभर मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। कि मुंगेरी लाल के सपने हसीन होते ही है, सभी को सपना देखने का अधिकार है। कोई सपना रात में देखता है और कोई सपना दिन में देखता है। हमारे राजभर भाई हैं, वो दिन में ही सपना देख रहे हैं। राजभर जी का जो सपना टूटेगा, तंद्रा से उठेंगे तो पुनः पुरानी स्थिति उनकी दिखाई पड़ेगी। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसान नेता राकेश टिकैत पर भी जमकर हमले किए। उनके पास कुछ नहीं है, वो अब्बा जान सारा ले रहे हैं और चचा जान सारा ले रहे हैं। हमें न अब्बा जान से मतलब है, न चचा जान से मतलब है, न भाई जान से मतलब है। यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे वक्त में योगी के मंत्री भी पूरी तैयारी के साथ अपने विरोधियों पर हमला करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बैठक के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। कहा कि वो भारत को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगी। एक मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक भिड़ंत तेज हो गई है। गुरुवार को राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन किए और फिर एक बैठक की। बैठक में ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र पर जमकर हमला बोला। ममता ने बैठक में कहा, जब मैं मस्जिद जाती हूँ तो बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाती है और वीडियो वायरल करती है, लेकिन मैं गुरुद्वारा जाती हूँ और घर पर काली पूजा करती हूँ उस समय वो कुछ नहीं कहती।